और माहिर लसानिया मुमताज अदीब मौर्रख नकाद और दानिशवर प्रोफेसर डॉक्टर जमील जालबी को जहाने फानी से रुखसत हुए चार बरस बीत गए। उनकी अदबी खिदमत पर देखते हैं हसन नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। प्रोफेसर डॉक्टर जमील जालबी, जिनका खानदानी नाम मोहम्मद जमील खान था, 1929 को भारत के शहर अलीगढ़ के एक इल्मी और अदबी घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भारत के मुख्तलिफ शहरों में हासिल की। 1947 में तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान आ गए और कराची में सुकूनत अख्तियार की। जमील जालबी माहिर लिसानियात नक्काद और अदबी मौरिख थे। वो जामिया कराची के वाइस चांसलर, मुख्तदरा उर्दू जबान के चेयरमैन और उर्दू लुगत बोर्ड के सदर भी रहे। डॉक्टर जमील जालबी ने मुतअद्दिद कुतुब मुरत्तब की, जबकि उनकी तसानीफ में तारीख अदब, कदीम उर्दू की लुगत, पाकिस्तानी कल्चर, माशरे अदब, अरस्तू से इलियट और नई तनकीद के अलावा दीगर कुतुब शामिल हैं। जबकि उनका काबिल जिक्र कारनामा 2.5 लाख से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल उर्दू अंग्रेजी लुगत मुरत्तब करना है। उन्होंने बच्चों के अदब के लिए भी काम किया। सिंध हुकूमत की जानिब से जामिया कराची में उनके नाम से एक तहकीकी मरकज भी कायम किया गया है। शानदार अदबी खिदमत के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर जमील जालबी को सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से भी उन्हें मुतअद्दिद अदबी अवार्ड दिए गए। 18 अप्रैल 2019 को डॉक्टर जमील जालबी तवील अदालत के बाद 90 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले और जहाँ अदब के मुसाफिर का सफर तमाम हुआ। जब जब उर्दू अदब का जिक्र होगा प्रोफेसर डॉक्टर जमील जालबी का नाम सरफहरिस्त होगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची।